hello everyone welcome to gargi classes today again we have five questions which are related to your current affairs and these are questions from modern history and art and culture related question so it will not only revise your static portion but also link your current with the static portion today we have such good questions so let us start with reference to sun temple of konark consider the following statement as you know there is a sun temple at konak that is odisha these statements are about this. So, uh, how many? Or we have to tell how many of these above statements are correct? So, the first uh, statement says it is linked to Brahmanism and tantric belief system. The second state says it is located on the eastern slope of the Indian subcontinent eastern shores of the indian subcontinent and the third says the vimana are surrounded by high towers which shikhar with a shikhara which are raised in a 19th which are raised in 19th century so let me tell you that all these statements are correct that is it is linked to brahmin and tantric belief yes it is linked to brahmin and tantric belief and uh, इट इज इट इन ईस्टर्न शोर आई टोल्ड यू दट इज इट इज इन उड़ीसा तो या इट इज इन ईस्टर्न शोर एंड द थर्ड इज द विमान आर सराउंडेड बाई हाई टावर्स शिखरा विज ऑन इन नाइनटीन सेंचुरी या दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर थर्ड नाउ जस्ट लेट मी शो यू द सोल्यूशन देयर इट इज वाई दिस वॉज इन न्यूज़ दिस वॉज इन न्यूज बिकॉज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एज आप देख रहे हो कि ये ईस्टर्न शोर पे है तो ऑफकोर्स एक सी का इन्फ्लुएंस uh, में रहता है और वैसे भी लॉन्ग uh, टाइम के बाद कोई भी जो स्ट्रक्चर होगा वो डिनिडेशन का इफेक्ट तो पड़ेगा ही उस पर तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे है uh, 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 oh, in, वो स्टेबल रहे हो तो हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ने डिसाइड किया कि वो इस क्या करेंगे इस सैंड को बाहर रिमूव करेंगे हाँ, तो और इस टेंपल की एक खासियत ये ईस्टर्न शोर पे लोकेटेड है आई हैव टोल्ड यू और ये टेंपल ये टेंपल जो है ये किस ब्राह्मणिज्म और तांत्रिक बिलीफ को आ, करता है बिकॉज ये क्या करता है ये एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिविनिटी करता है जैसे कि हमने क्या किया ये दिस टेम्पल इज वॉट अबाउट दिस टेम्पल इज़ अबाउट सन गॉड सन और गॉड सन का क्या किया है यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन कर दिया यू कैन सी सन इज राउंड और यहाँ पे क्या किया टेम्पल में गॉड uh, सन की एक पर्सोनिफाइड फॉर्म में एक उनकी इमेज करी और इसको कब किया गया था थर्टीन सेंचुरी किंगडम ऑफ ओडिशा एंड एंड मेट्रोमोनियल एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिविनिटी ओके कलिंग टेंपल आर्किटेक्चर से ही इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा और इसमें क्या है इसमें सेवन सेवन हॉर्सेज हैं जो रिप्रेजेंट uh, कर रहे हैं uh, एक चैरियट को मतलब दीज आर सेवन हॉर्सेज जो एक चैरियट द टेंपल इज मेड इन द शेप ऑफ चैरियट चैरियट मतलब रथ तो वो जो चैरियट होता है उसको ये सेवन हॉर्सेज एक ऐसा फॉर्म करा गया है कि ये जो चैरियट है इस को हेवन की तरफ ले जा रहा है यानी कि ये एक सेवन हॉर्सेस का एक टेंपल है दीस आर टेकन इन टू हेवन बाय दिस चारियट बाय दिस हॉर्सेस सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन द द ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट कपड़ा कपड़ा गांधा शॉल कपड़ा गांधा शॉल आल्सो नोन एज डोंगरी शॉल Uh, this uh, इसको ये भी न्यूज में था द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट रिफ्लेक्ट्स रिच ट्राइबल हेरिटेज ऑफ डोंगरीकोन्स एक ट्राइब है क्या उस, उनके रिच हेरिटेज uh, uh, को रिप्रेजेंट करता है ये इट इज एम्ब्रॉइड ऑफ वाइट कोर्स विद येलो रेड ग्रीन कलर्ड थ्रेड्स इट इज इज इट सो द शॉल इज वॉर्न ओनली बाय वुमेन इट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर वुमेन और इट uh, इज Uh, GI tagged, uh, it is from Odisha and it is GI tagged. So, uh, let me tell you that uh, it reflects the rich heritage of Dongri cones As I have told you, it is also known as Dongri Shawl. So, yeah, it is correct. Uh, they are, uh, 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 they, this represents the Dongri cones tribal culture. इट इज़ एम्ब्रॉयडेड ऑन वाइट इट इज़ एब्सोल्युटली कटेड ये एक शॉल होता है वाइट पूरा शॉल होता है और उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट्स लाइक वाइट येलो और रेड ग्रीन uh, इन सब कलर से क्या होता है एम्ब्रॉयडरी करी जाती है इसमें क्या इसमें ट्राइंगर शेप्स और लाइन्स रिप्रेजेंट कर लाइन्स की हेल्प से ये ड्राॅइंग uh, करी जाती है और ये ट्राइंगल और लाइन्स वॉट दे रिप्रेजेंट दीज ट्राइंगल एंड लाइन रिप्रेजेंट की कैसे माउंटेन और community? माउंटेन और कम्युनिटी दोनों एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है मतलब माउंटेन का कितना कम्युनिटी के लिए ये इस इससे रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे हर एक कलर का भी अलग अलग रोल होता है जैसे वाइट रिप्रेजेंट्स पीस रिप्रेजेंट्स ब्लड सो ऑप्शन टू बोथ आर करेक्ट एंडक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर दे ओनली फॉर वुमेन नो देट इज नॉट करेक्ट दे आर नॉट ओनली फॉर वोमन मैन एंड वुमेन बोथ वोर देम and it is registered as uh, Odisha GI Tag. Yes, it is correct. They are registered at Odisha GI Tag. So how many of the statement are correct? Only three. Uh, why it was in news? It was in news because कुछ GI tags दिए गए हैं और uh, Odisha uh, GI tags दिए गए हैं कुछ एक किसको किसको दिए गए हैं एक और डोंगरी uh, कोंड ये डोंगरी कोंड को दिए गए हैं और ये जो है ये सेवन प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं ऑर्डर टू सेवन ओडिसन प्रोडक्ट्स इसमें शिमली पाल काई चटनी ये भी याद रखिए आप किस क्वेश्चन आपको इससे भी आ सकता है दैट शिमली पाल का चटनी व्हाट इज इट इट इज आल्सो इट आल्सो गॉट जी आई और ये रेड वीवर एंड्स के थ्रू ये चटनी बनाई जाती है और ये ओडिशा में ही होती है तो दिस इज आल्सो समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर द रेस्ट इन्फॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी गिविन यू द नेक्स्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पाइका रेबिलियन आप

असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे तो इज इट करेक्ट द पाइका वॉज मोबलाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ वीर सुंदरई सई तो लेट मी टेल यू कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है ये गजापति रूलर्स को ये पीज इन मिलिटेंट्स की तरह हेल्प करते थे दिस इज करेक्ट वेन इट कम्स टू लीडरशिप तो देवर नॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ वीर सुंदर सई दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी जगबंधु विद्याधर सो ओनली ऑप्शन वन इज करेक्ट नाउ लेट मी टेल यू दैट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इट वॉज इन न्यूज फर्स्ट लेट मी टेल यू जो सेंटर है उसने कहा है कि नहीं वी विल नॉट रिकोगनाइज पाइका रिबेलियन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से जो सिपाही म्यूटनी है 1855 को उसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करते हैं आ, ए, कंसिडर करते हैं अब जो उड़ीसा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जो पाइका रिवेलियन ऑफ उड़ीसा है इसको आप डिक्लेयेर करिए फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस तो इसी वजह से ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं टसल चल रहा है जिसकी वजह से ये न्यूज में था अब यू नो कि 1857 फिफ्टी रिवॉल्ट क्यों हुआ था कैसे हुआ था तो जो जो 1857 फिफ्टी रिवॉल्ट था उसके जस्ट 40 इयर्स पहले ही ये पाइका रिवॉल्ट जो था ये हुआ था हाँ और ये किसके लीडरशिप ये कहाँ हुआ था यह पैकल हुआ पीजन पीज बिलटिन गजापति रूलर्स दैट आई हैव टोल्ड यू एंड वेन इट कम्स टू वाई द रिवॉल्ट ऑब्वियसली बात है कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम चेंज हुआ uh, काफ़ी इशूज़ आने लगे वहाँ के फार्मर्स को पीजेंस को तो इसी और एक्सप्लेटेशन काफ़ी हो रहा था इसकी वजह से इन्होंने क्या किया रिबल कर दिया ब्रिटिशर्स uh, के खिलाफ और इसी वजह से ये रिबिल जो था ये किसकी लीडरशिप के अंदर uh, uh, फ्लरिश किया बख्शी जगबंधु नेम अगेन एंड अगेन सो दट आप यहीं पर याद करके आगे बढ़ जाए बख्शी जंग बंधु विद्याधर दिट्स इन एटीन सेवनटीन ये, 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 ये जो ये रिबिलियन थी ये बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह बहुत सारे पार्ट्स में उड़ीसा के काफी सारे पार्ट्स में स्प्रेड कर गई सो यान इज करेक्ट नाउ वी आर डन विद दिसट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन Question number four. Question number four is about Swami Dayanand Saraswati. We have to tell that how many of the above statements are correct. He established R.S. Samaj in 1875. He wrote Satyarth Prakash, which emphasized on Vedic principles. Is this correct? He accepted the idea of idolatry. So, let me tell you. या आर्य समाज स्टैब्लिश किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाइनटीन सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था आर्य समाज का स्टैब्लिशमेंट किया था और इसमें क्या था इन्होंने आर्य समाज में अपील की थी टू जस्ट गो अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ एट दैट टाइम मतलब जो जो भी रिचुअल ट्रेडिशन होते थे चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी उसको वो एबॉलिश करना चाहते थे इसीलिए इन्होंने आर्य समाज फॉर्म किया था और इनका मतलब मेन एम्फोसिस क्या था बैक टू वेदास मतलब ये जो ये जो फालतू के ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं इनको छोड़ करके आप वेदा की प्रैक्टिसेस में जाइए वेदा की टीचिंग्स पे इम्फोसाइज किया था इन्होंने सो ऑप्शन वन इज करेक्ट ही रोट सत्य प्रकाश विज एम्फोसाइज ऑन वेदिक प्रिंपल या दिस इज करेक्ट वेदिक प्रिंसिपल्स में इम्फोसाइज करने के लिए इन्होंने सत्य प्रकाश लिखा था आई वो बैक टू वेदा उनका मोमेंट ही था ही एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ आइडोलेटर नो अब वो डायरेक्टली वेदा पे जाने को वापस कह रहे हैं ये ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को एकदम मना करें रिचुअल इसको एकदम मना कर रहे हैं तो बायो वुड ही एक्सेप्ट द आइडोलेट्री सो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट द हाउ मेनी ऑफ द अब स्टेटमेंट आर करेक्ट ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट नाउ जस्ट लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ट्रेडिशनल ट्रेडिशनली दिस पेंटिंग्स आर डन ऑन वॉल इन द छोटा उदयपुर एरिया ऑफ गुजरात दे आर मोस्टली पेंटेड बाय मेन एलिफेंट्स मेन वुमेन आर्म्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज वेडिंग फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन आर डिपेक्टेड ऑन दीज पेंटिंग्स अभी बताना है कि ये सब जो बात बताई ये किस पेंटिंग के बारे में है तो uh, कल, uh, कलमकारी पेंटिंग कालीघाट पे, कालीघाट पेंटिंग वर्ली पेंटिंग और पिथौरा पेंटिंग तो लेट मी टेल यू इसका आंसर है पिथौरा पेंटिंग पिथौरा पेंटिंग क्या होती है पिथोरा पेंटिंग आर समथिंग जो हमारे गुजरात के पार्ट में होती हैं पिथौरा पेंटिंग द गुजरात के पार्ट में होती है में होती और ये नॉर्मली ये पहले तो ये मतलब ट्रेडिशनली ये जो है ये वॉल पे होती है लेकिन अब इनको पेपर और कैनवस में भी करने जाने लगा है और ये किसकी हेल्प से होती हैं ये नॉर्मली यूज़ किया जाता था क्या मिल्क और मिल्क और लिक्विड को मिक्स किया जाता था महोदा महो ट्री से मोहदा ट्री से बनाए हुए इन सब चीज़ों से और मिल्क और लिक्वर इन सब को यूज़ करके इसका मिक्सचर बनाया जाता था और ये बैम्बू स्टिक्स कॉटन और वुडन स्टेंसिल्स की हेल्प से ये ड्रॉ करी जाती थी दिस इज समथिंग और ये, ये रिचुअल था कि मतलब इसको सिर्फ मेन्स ही बनाते थे इन इन द एरियाज ऑफ छो, छोटा उदयपुर ऑफ गुजरात केवल मेनस ही बनाते थे इसको और इसमें क्या था इसमें एक वी कैन से इन पेंटिंग्स में ये शो किया जाता था कि ये ऑफरिंग्स दे रहे हैं टू तो पिथोरा पिथोरा हु इज गॉड ऑफ फूड ग्रेन्स गॉड ऑफ फूड ग्रेन्स पिथोरा है उनको ऑफरिंग्स देने के नाम पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी तो काफी इनमें

आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे जो आपके स्टार्टिक के साथ साथ ये क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट डू वॉच दिस वीडियोस दे विल बी इट वुड बी लाइक क्विक रिविजन फॉर यू या आपके थॉट्स uh, को ओरिएंट करेंगे कैसे आपको अपनी नॉलेज को एनसी से अटैच uh, करना है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग